हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी सेजवान मसाला स्टफ्ड इडली। इसके लिए हमें चाहिए 6 आलू। इसे कुकर में डालें, पानी डालें और उबाल लें। अब हमें चाहिए 6 गाजर, थोड़ी सी बीन्स, पत्ता गोभी, 3 प्याज, 1 शिमला, 1 बीटरूट। इन सभी को अच्छे से धोकर काट लें। अब एक पैन को गर्म करें, उसमें ऐड करें ऑयल। अब डालें राई, करी पत्ता, कश्मीरी लाल मिर्च। अब डालें प्याज और सौते करें। अच्छे से लाल होने तक सौते करें। अब काटी हुई सभी सब्जियां ऐड करें। अब अच्छे से मिक्स करें। अब 1 चम्मच नमक डालें और हल्दी। अच्छे से चलाएं और ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। फिर से चलाएं और ढककर 2-3 मिनट तक पकाएं। अब इसमें डालें मैश्ड पोटैटोज और अच्छे से मिक्स करें। अब डालें 2 चम्मच सेजवान चटनी, 1 चम्मच सांभर मसाला और अच्छे से मिक्स करें। सेजवान मसाला रेडी है। अब इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसकी छोटी छोटी टिक्की बना लें। अब इडली का बैटर लें और ग्रीस किए हुए इडली सांचे में उसे थोड़ा थोड़ा डालें और बीच में टिक्की रख के दबाएं और बैटर से टिक्की को ढक दें। इसी तरह से सभी प्लेटें तैयार करें। अब एक स्टीमर में इडली को 10 मिनट के लिए स्टीम करें और अब इसे ठंडा होने दें। सांभर और चटनी के साथ परोसें।